नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट के बिलियन कैप्चर प्लस की पूरी प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन। तो इसके लिए बने रहिए बिल्कुल वीडियो के एंड तक। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जब आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही और भी मजेदार और टेक्नोलॉजी से भरे वीडियो मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था फ्लिपकार्ट के बिलियन कैप्चर प्लस के बारे में, तो ये फोन फ्लिपकार्ट ने काफी अच्छे टाइम पे निकाला है। ये एकदम ठंडी के सीजन के एकदम सामने निकाला है। अभी दिवाली चली गई है लेकिन फिर भी ये फोन काफी एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं इसके लुक्स के साथ। और अभी आप स्क्रीन पे इसके लुक्स देख पा रहे होंगे, देखने में ठीक ठाक है। ये आपको मिडनाइट ब्लैक और दो अलग कलर वेरिएंट में आपको मिल रहा है। मैंने सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पसंद आते तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ से इनको परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये फ्लिपकार्ट में अभी तक अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर भी फ्लिपकार्ट पे भी कमिंग सून दिखा के ये लगा के रखा है और ये बहुत ही जल्दी आने वाला है। अभी आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो नोटिफाई बटन है उस पर जाके आप अपना ईमेल आईडी डाल के इसके लिए नोटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये अवेलेबल होगा ये आपको एक मेल कर देगा। और आप बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, और इस फ्लिपकार्ट ने इसका जो प्राइसिंग रखा हुआ है 12,999 का इसका प्राइसिंग रखा गया है। तो प्राइसिंग ठीक है कि नहीं ये अभी हम पता कर लेंगे। तो अभी देख लेते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या क्या है, फिर बात करेंगे इसकी प्राइसिंग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ठीक है कि नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके इन द बॉक्स एक्सेसरीज से। मैं काफी दिनों के बाद आप लोगों को इन द बॉक्स एक्सेसरीज के डिटेल दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसमें आपको एक मतलब बेसिकली हैंडसेट तो मिलेगा, सिम रिजेक्टर पिन, सिम ट्रे, एडाप्टर, डेटा केबल, क्विक स्टार्ट गाइड और इसमें स्क्रीन गार्ड मिलेगा जो आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी अप्लाइड ही मिल जाएगा। तो ये सब आपको इन द बॉक्स एक्सेसरीज मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ आपको इसमें एक 5.5 इंच का फुल एचडी आईपीएस एलसीडी कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जिसकी मदद से आप इसमें सारे तरह से गेम खेल सकते हो और स्क्रीन काफी रेस्पॉन्सिव होती है। ये सब स्क्रीन जो होती है कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो होता है, तो ये काफी स्क्रीन काफी अच्छा है। 5.5 इंच का फुल एचडी का आपको इसमें स्क्रीन मिलता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो आपको इसमें एक एंड्रॉयड 7.1.2 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जिससे आप लगभग इस फोन को चला लेंगे और इसका शायद कुछ अपडेट भी आ जाएगा, तब आपको इसमें ओडियो फोडियो जो भी आए वो सब आपको मिल जाएगा। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ आपको इसमें जो प्रोसेसर मिलता हुआ है स्नैपड्रैगन 625 का 2GHz का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाता है, जिससे आप अपने हाई एंड गेम्स भी इससे संभाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको इसमें एक 4GB का रैम मिल जाता है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जिससे आप बैलेंस में हर एक गेम को या फिर हर एक ऐप को आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टोरेज काफी है और 128GB का आपको इसमें एक एक्सटर्नल स्टोरेज मिलता है, मतलब इसमें जो एसडी कार्ड लगा के आप बढ़ा सकते हो वो आप मैक्सिमम 128GB तक का आप लगा पाएंगे। लेकिन इसमें एक खामी है जी, इसमें आपको सिर्फ एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिल रहा है, एक अलग से डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट और डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो हम दो सिम और एक एसडी कार्ड लगा पाते। इसमें हम एक एसडी, एक सिम या फिर दो सिम ऐसे ही लगा पाएंगे। और इन सब के अलावा अगर मैं इसके अब कैमरे की बात करूँ तो आपको इसके रियर में काफ़ी अच्छा एक पैकेज मिल जाता है। आपको इसके रियर में डुअल लेंस कैमरा मिलता है, आपको एक 13MP प्लस एक और 13MP का मतलब डुअल लेंस कैमरा मिलता है डुअल टोन एलईडी फ्लैश के साथ। डुअल टोन एलईडी फ्लैश मतलब आपको पता ही है क्या होता है। तो ये कैमरा रियर में तो काफी अच्छा है और सामने फ्रंट में आपको जो कैमरा मिलता है वो आपको एक 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। फ्रंट में आपको कोई मतलब फ्लैश ऐसा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन 8MP का आपको एक सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिससे आप अपने नॉर्मल फोटोज ले सकते हैं और आप अपने रियर इसके रियर कैमरे से अपने 3D फोटोज या फिर बोकेह पे सब कुछ आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको इसमें 4G वोल्टेजी सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप एक सिम लगा के आप 4G वोल्टेजी मतलब जियो का सिम या फिर कोई भी 4G वोल्टेजी एनेबल्ड सिम आप इसमें लगा सकते हैं। और अगर इसके कैमरे की बात, अगर मैं इसके कुछ सेंसर्स की बात करूं तो आपको इसमें एक ग्रेविटी सेंसर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप, हेल्थ सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सब आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं तो आपको इसमें एक 3500mAh का लिथियम आयन नॉन रिमूवेबल बैटरी मिल जाता है इसमें, जिससे आप लगभग इसको 1.5 दिन का एक बैकअप दे पाएंगे। और साथ ही साथ इसका जो टोटल वेट है वो है 175 ग्राम्स का, तो ये काफी हल्का फोन है। मेरे हिसाब से तो ये फोन ठीक है,
लेकिन प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा हाई है, शायद 1000 या फिर 2000 रुपये हाई है। ये अगर अंडर 10K या फिर 10K होता तो भी अच्छा होता, ये 13K हो जा रहा है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा हो लग रहा है। तो अगर आप लोग इस फ्लिपकार्ट के इस नए फ़ोन को अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसका एक फील लेना चाहते हैं और यूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्टली वहां से परचेस करके आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्राइसिंग के हिसाब से ये लगभग ठीक ही है। तो ओवरऑल ये फ़ोन जो ये ठीक ही फ़ोन है, इसमें ज़्यादा कुछ कम ज़्यादा नहीं है, ये ठीक है मेरे हिसाब से ठीक है। अगर आप लोगों को ये फ़ोन पसंद आ रहा है और आप लोगों को ये परचेस करना है तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जैसे ही ये अवेलेबल होता है फ्लिपकार्ट में आप डायरेक्टली जाके वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये फ़ोन और ये वीडियो दोनों ही पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस नीचे वाले बड़े से बटन को दबा के, जाते आपको फ्यूचर में भी ऐसी और भी मज़ेदार और टेक्नोलॉजी से बड़े वीडियोज मिलते रहे। बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, गुड बाय।